हम लोग यहाँ पर स्टॉप ओवर कर रहे हैं कि पिलाव खा लें, क्योंकि यहाँ का पिलाव काफ़ी मशहूर है काम। और ये हमारी राइड है, ये हमारे टूर गाइड है जिसके साथ हम लोग इधर आए हैं। हमने जहाँ से ट्रेन स्टेशन से हमने गाइड लिया था, तकरीबन हमें $50 में ये मिला है, और जो कि हमें तमाम मेजर साइट्स दिखाएगा और उसके अलावा हमें सिटी भी दिखाएगा, गाइड भी करेगा और डिटेल्स भी प्रोवाइड करेगा। सो स्टे विद अस और हम लोग आपको बाकी आगे जो डेस्टिनेशन है यहाँ की वो हम आपको दिखाते हैं। अभी हम लोगों ने खाना ख़त्म किया है समरकंद ऊस मरकजी ना ऊस मरकजी, और अब इसके बाद हम साइट सीइंग पे जाएंगे। तो स्टे विद अस एंड कुछ बोलना है आपको? एंजॉय एंजॉय। अभी हमने 4 टिकट्स बाई किए हैं इस जगह के लिए। हज़रत दानियाल की यहाँ पर कब्र है, और फॉर टूरिस्ट $2 की टिकट है ईच, जो कि तकरीबन 20,000 सोम्स बनते हैं रीच। सो ये 4 टिकट्स हैं। Timur from his military campaign from Iran, from Persia. Mm-hmm. And you can actually see the grave inside this maqbara, this mausoleum. We could go inside, right? Yes. From the doorstep you can see. Assalamu alaikum. Hazrat Daniel alayhi salam ki qabar hai ye. So this is the pistachio tree. Yes, which is 700 years old. 700 years old pistachio tree. Yeah. Okay, sorry, it's okay. Sorry. We can see the pistachio over there. Yes. Some of the pistachios.
So we have, this is one of the... This is Makbara. This is Makbara. Mausoleum of the milk mother of Mirza Ulugbek, who was the grandson of Taimur. Mausoleum of? Of the milk mother of the king. And this is the historical staircase. You can see that this staircase was originally founded in 15th century, so it's been here for 600 years so far. And the stairs are pretty much wide because of the reason that every Friday, the whole complex functions as the Juma Masjid, as the Friday Mosque, because people come for Friday Namaz. And that's why sometimes inside they don't have enough place. That's why they are praying outside, bringing their Jai Namaz, for prayers. So they're praying like this? Yes, this, facing this way. This is the Qibla. Qibla is side, southwest from the geographical position of Uzbekistan. Taimur, what's that? ये तैमूर की सिस्टर का मज़ार है यहाँ पर और ये बहुत खूबसूरत है. दो बहनें हैं तैमूर की, जिसमें से एक ये है. और वो जो ऑपोजिट साइड पे है दूसरी सिस्टर है. बहुत खूबसूरत है ये अंदर से. Of the mosque of the masjid of 11th century. So this masjid was built 1,000 years ago over here in this complex, but later on when Mongols came here in 1220, they destroyed everything and they burned the city down. That's why after Mongol incursions, just nothing left alive over here. All the constructions, the whole city was ruined and destroyed. And you can see the burned part of still the mosque. Burning, yes. These are consequences of the fire caused by Mongols and Chinggis Khan. Carefully. And it's engraved with Arabic. Yes, Arabic writings. It's engraved with Arabic. Yes. Arabic. Thank you.
ये हज़रत खिज़र मस्जिद है, इसकी हिस्ट्री जाती है 7th century में, जब पहली दफ़ा यहाँ पर मुसलमान आए और यहाँ पर आके उन्होंने मस्जिद तामीर की। इसकी तामीर कई दफ़ा हो चुकी है और अभी मोस्ट रिसेंट कंस्ट्रक्शन इसकी 13वीं सदी में हुई थी, जो कि तुर्कों ने की थी। यहाँ पर उज़्बेकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट की कब्र भी है। वो सामने मस्जिद है जिसको तैमूर ने अपनी हिंद की जो कैंपेन थी, हिंदुस्तान की कैंपेन, उससे वापस आके वो उसने मस्जिद तमीर की थी यहाँ पर समरकंद में। इंतहाई खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पर हम लोग मीर तैमूर के मकबरे पर हैं और यहाँ से आप मकबरा पूरा आउटसाइड है ये मकबरे की। एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ की, अमीर तैमूर। फोर्टीन्थ एंड 15th सेंचुरी। हम लोगों ने अभी तैमूर के मकबरे से निकले हैं, वहाँ पर हमने कोई आधा घंटा गुजारा है और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स रेगिस्तान। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्लेस? रेगिस्तान इज द सिटी सेंटर ऑफ समरकंद, द हार्ट ऑफ द सिटी। इट्स द हार्ट ऑफ द सिटी, यस, व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ थ्री बिग स्कूल्स, मदरसास ऑफ द मेडिवल टाइम्स, ओके, 15th एंड 17th सेंचुरीज, द बिजनेस पार्ट ऑफ द सिटी। तो हम लोग अब रेगिस्तान का इलाका है यहाँ पर, उधर जा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट सिटी सेंटर है और यहाँ पर मदरसे हैं, स्कूल हैं पुराने, और 17th century से जो कि एग्जिस्ट करते हैं। और उसके यहाँ पर अगर आपने ये जगह नहीं देखी समरकंद आके, तो आपने कुछ नहीं देखा। वो कहते हैं ना, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमे है नहीं, तो ये यहाँ का काइंड ऑफ लाहौर है। So is this the place? Yes. Are we almost arrived? अब समरकंद के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं और नो यस दिस इज ट्रू बट वी गो फ्रॉम डाउन साइड, यस, थैंक यू। चले 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 सर, अपना गलत ना करें ना, ऐसे ना करें। तो अभी हमारा जो टाइम है ट्रेन का वो तकरीबन 6:38 है। ये अभी अनाउंसमेंट हुई है ताशकंद के लिए, एग्जैक्टली कुछ मिनट में आ जाएगी ट्रेन, जो कि शायद 6:00 बज के
6:38 पे है, तो अभी जो हुआ है वो 6:08 है और अभी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जब आप समरकंद में आते हैं तो समरकंद में कुछ स्पॉट्स, मेजर स्पॉट्स हैं, क्योंकि हमारा ट्रिप जो था वो इस टाइम 12 बजे शुरू हुआ था समरकंद के अंदर, और हम 6 बजे तकरीबन 6 बजे हम पहुँचे। हमने सबसे पहले यहाँ पर खाना खाया जो कि यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है जिसको प्लोफ कहते हैं, विद गोट मीट ऑन इट। और उसके बाद यहाँ पर एरान जो है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पर हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आप आएँ तो यहाँ पर मज़ार हैं, एक जगह है जहाँ पर 24 मज़ार हैं। अफ्रासियाब इसका समरकंद का सेंटर हुआ करता था पहले, जो कि मंगोल के टाइम पे चंगेज़ खान ने जिसको स्लॉटर वगैरह किया था वहाँ पर, और उसको बिल्कुल तबाह कर दिया था। तो उसके बाद से उन्होंने वहाँ पर बिल्डअप नहीं किया, बट वो लाइक एक मोनोमेंट्स और उसके सराउंडिंग में चीज़ें बनी हुई हैं। तो जब आप उसके ऊपर आते हैं तो सबसे पहले हज़रत खिज़र जो हैं, जो कि रिपब्लिकन इरा के जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के उस टाइम से जो पैगंबर गुजर चुके हैं, उन पैगंबर की वहाँ पर रिमेन्स हैं। मोस्ट लाइकली उसको कब्र उन्होंने बनाया हुआ यहाँ पर, बट वहाँ पर कुछ रिमेन्स के अलावा उनकी मट्टी या उसके कुछ और चीज़ें हैं वहाँ पर, उसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बाद आप वहाँ से मूव करके मज़ारात पे जा सकते हैं, जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हैं, उनकी कब्र मुबारक है वहाँ पर। उसके अलावा चंगेज़, उसके अलावा तैमूर की। ये हमारी ट्रेन आ गई है, इस ट्रेन पे हमने जाना है। सो आई थिंक हम वहाँ से क्रॉस करेंगे और उसके बाद। सर कैसे हैं? तो अब हम अपनी ट्रेन के तरफ जाएंगे, तो आई विल कंटिन्यू माय डिटेल्स ऑफ द सेम टाइम। तो उसके बाद कहाँ से जाएंगे? तो नीचे से रास्ता उधर से है ना, बोल ये कहाँ से। अच्छा चलें, ठीक है। हाँ जी सर कैसे हैं? वालेकुम सलाम। तो उसके बाद वहाँ से आप मूव कर सकते हैं उन मज़ारात की तरह। मज़ारात के बाद आप वहाँ से जाएं, मस्जिद आती है उसी अफ्रासियाब रिमेन्स के सराउंड के ऊपर। उसके बाद वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन अगर आपके पास अवेलेबल है तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं जाने की, जो कि तैमूर का जो मकबरा है, तैमूर का मकबरा काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर नज़र आएगा। उसके बाद वहाँ पर आपके पास सबसे एंड के ऊपर यहाँ की जो डेजर्ट है, जिसको यहाँ का रेगिस्तान बोला जाता है, जहाँ पर 3 वो बने हुए हैं मदरसे, वहाँ पर आप जा सकते हैं। वो बहुत एक अच्छी हॉटस्पॉट है। तो अभी हम अपने ट्रेन की तरफ, ये हमारा अंडरपास है, और मेरे साथ कोई थे ऑलरेडी, वो आ रहे हैं। तो हम यहाँ से अब अपनी ट्रेन की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि उसको पकड़ लें। आ जाएं सर, लेट्स गो। ऐसे ही जैसे आ रहे हैं चल के वैसे ही आए। ये हमारे आदिल साहब, ये हमारे, इनका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ, फिर इनका नाम मुझे याद आ जाता है। अमीर तमूर है हमारे, ये सेम डायनेस्टी एंसेस्टर्स। टिकट निकाले सर, कौन सी टिकट है? बोगी नंबर। बोगी नंबर, सिक्स नंबर, कैरिज सिक्स। जल्दी हमने ट्रेन पकड़नी है इससे पहले हमारी ट्रेन निकल जाए। सीटी बज गई, जल्दी करो। अच्छा इस टाइम हम लोग जो है ना वो बोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं इनके साथ जो लोकल है ना, ताकि हमारी टिकट्स अपग्रेड हो जाए।
हम लोग इकोनॉमी क्लास की टिकट ली थी हमने 1,00,000 सोम की, जो थोड़े से पैसे देकर ना, तो हमारा दिल है कि हम उसको VIP में कन्वर्ट करवा लें। तो वो हमारे जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे नेगोशिएशन स्किल्स रखते हैं और वो उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, ना उनको उनकी समझ आ रही है ना दोनों के गुस्से की समझ आ रही है। मैंने कहा कि दोनों के गुस्से की समझ नहीं आ रही है और दोनों नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और हो जाएगा नेगोशिएट। हमने जो है ना वो 4,00,000 से 50,000 पे आ गए, 4,00,000। तो चलो वो अपना अभी कोशिश कर रहे हैं, और हमने कोच नंबर 6 में जाना था तो हम कोच नंबर शायद 5 में जाएं। आदिल से हाय, आमिर से हाय, अमजद भाई से हाय।